आवाज आ रही है अभी? यस हेलो, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले ही से बोला हुआ था दो क्लास होगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहा है। एक्चुअली सैटरडे को हम लोग का दो क्लास है यार, ठीक है। तो यहाँ तक तो ए आर ए थीटा ए फाई को जो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एक्स ए वाई जेड से ए आर थीटा ए थीटा ए फाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया था। साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई एंड माइनस साइन थीटा और माइनस साइन फाई कॉस फाई जीरो, ये एक्स ए वाई ए जेड। अब है एक्स ए वाई जेड फ्रॉम कहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ए आर ए थीटा ए फाई से। तो उसके लिए साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, आफ्टर दैट साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा साइन फाई एंड कॉस फाई एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड जीरो, एंड इट विल बी ए आर ए थीटा ए फाई। ये कन्वर्सन आपका पूरा रहेगा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है, मतलब कि ये तो पूरा आपको अभी याद करना होगा, फिर मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर मैं अभी कुछ और बढ़ा के फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। चलिए ठीक है। अब एक चीज है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब कि आपका मतलब कि दो पॉइंट है P1, X1, Y1 एंड Z1, एक पॉइंट है P2, X2, Y2 एंड Z2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा? डिस्टेंस फार्मूला सर, D1 2 क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे सर। हाँ सर, अंडर रूट में सर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 रूट अंडर, हाँ ठीक है, गुड गुड वन, गुड गुड गुड, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। हाँ, ये तो आपका कार्टेशियन में हो रहा है, क्या सिलेंड्रिकल में सेम होगा, स्फेरिकल में क्या होगा और इधरों में क्या होगा? मान लीजिए कि ये तो कार्टेशियन में हो गया, सिलेंड्रिकल में कैसे होगा? जब आपका P1 r sorry rho phi z है और P2, टॉपिक दे देता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, P2 आपका सॉरी रो वन फाइव वन जेड वन, रो टू फाइव टू एंड जेड टू, तब क्या होगा बताइए? कोई बताइए, सिलेंड्रिकल, आवाज आ रही है? यस सर, पुनः आवाज आ रही है? इस बैच में पुनः में कितने हैं? कंट्रोल में पुनः में, अच्छा कंट्रोल में पुनः में, ठीक है। और P1 R थीटा phi1 R1 थीटा1 phi1 एंड T2 R2 थीटा2 phi2, P1 P2, ठीक है। अब कैसे होगा बताइए, इसका बताइए,
ऐसा नहीं लग रहा है कि रूट अंडर सर जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन हुआ तो इसका भी आर टू माइनस आर वन स्क्वायर प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर. कितने लोगों की ये फीलिंग आ रहा है ये वाला होगा? कोई सर, तो वो वाला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? वो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा सर? इसमें है ना सर साइन थीटा कॉस थीटा सिलेंडर तो थ्री डी है. देखिए ये वाला नहीं होगा, ये टोटली रॉन्ग है. क्योंकि जब हम डिस्टेंस जो निकालते हैं, मान लीजिए कि हम एक्स वाई ही लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं. मैं इससे समझाना कोशिश कर रहा हूँ. आपका पी मान लीजिए कि पी वन यहाँ पर है, पी टू यहाँ पे है, ये दोनों का डिस्टेंस जो हम लोग वेक्टर में जब बात करते हैं तो यहाँ से निकालते हैं आर वन, ये डिस्टेंस आर टू, ओरिजिन से हम लोग लेते हैं ये आर वन ये आर टू, आफ्टर डैट हम लोग ये डी वन और डी टू निकालते हैं. शायद इस तरह से होता है, उसके बाद रूट निकलता है. मतलब कि डी वन डी टू के लिए आर टू माइनस आर वन करके हम लोग निकालते हैं, फिर मॉड लेते हैं, जिसके कारण वो सारा चीज होता है वेक्टर फॉर्म में. तो यहाँ भी वो वेक्टर फॉर्म में होगा तो इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा चीज वो नहीं होगा. तो आपको इजी वे से आपको याद रखना है ना, इजी वे से याद रखना है. तो कार्टिजन का याद रखो, सिर्फ डी वन और डी टू याद रखो, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर. अगर आपको ये याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप जो एक्स टू को लिख सक जगह पर लिख सकते हैं रो टू कॉस फाइव टू, और एक्स वन इक्वल टू रो वन कॉस फाइव वन, और y2 इक्वल टू रो टू साइन फाइव टू, y1 इक्वल टू रो वन फाइव फाइव वन. आप करके देखो सेम, मतलब कि ये रिजल्ट आ जाएगा. d1 d2 स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं तो x2 माइनस x1, तो एक्स टू माइनस एक्स वन तो रो टू स्क्वायर, थोड़ा स्कीप करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस रो वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू रो वन रो टू, सॉरी माइनस होगा, और सॉरी कॉस फाइव टू स्क्वायर फाइव वन स्क्वायर कॉस फाइव टू एंड कॉस फाइव वन, और प्लस प्लस रो टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव टू प्लस रो वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन माइनस टू रो वन रो टू साइन फाइव टू इंटू साइन फाइव वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर. इसके लिए कन्वर्सन तो होता ही नहीं है. आप इसको देखो, इसको और इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रो टू स्क्वायर प्लस इसको, आवाज आ रही है? यस जी सर. हाँ, इसको कॉमन लेंगे तो रो वन स्क्वायर और माइनस माइनस, आप टू रो वन और रो टू कॉमन ले सकते हो, माइनस टू रो वन रो टू कॉमन लोगे तो कॉस फाइव टू माइनस कॉस फाइव वन प्लस साइन फाइव टू इंटू साइन फाइव वन और प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर. यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए. तो रो टू स्क्वायर प्लस रो वन स्क्वायर माइनस टू रो वन रो टू, और इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस सी इंटू कॉस डी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या होता है फॉर्मूला? बताइए, ट्वेल्थ में पढ़े होंगे जी, ट्वेल्थ भी नहीं हुआ है. कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? दिमाग से उतर गया सर अभी. सर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, कॉस ए इनटू कॉस बी प्लस
साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आपका उस पर सेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाइव टू माइनस फाइव वन है ना प्लस एट टू माइनस एट वन स्क्वायर। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए सर, थोड़ा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है सर, थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए ना। हाँ हाँ नीचे करें कि ऊपर करें? ऊपर से पूरा तो कंप्लीट दिख रहा है, ऊपर कर रहे हैं। नहीं सर अब दिख रहा है? नहीं सर नीचे कीजिए, नीचे करें ना। ठीक है और नीचे करें x1 इक्वल टू रो वन कॉस वन कैसे कर दिया सर कॉस फाइव वन कहाँ बाबू सर वो x1 इक्वल टू नीचे कीजिए ना x1 इक्वल टू हाँ ये तो आप ये है ना हाँ x1 इक्वल टू रो कॉस फाइव वन ये तो होता ही है, तो कन्वर्शन देखे हो ना पीछे में सर। नहीं 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 हम कह रहे ना, हम कहें क्या आपको सिलेंड्रिकल में डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो सारा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, मतलब कि आप अगर कार्टेशियन का याद रख रहे हो तो आप कन्वर्जन आपको पहले से पता है तो आपको डिस्टेंस के लिए सेपरेट सेपरेट फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। आपको अगर याद नहीं है तो कार्टेशियन का आपको याद है तो आप एक्स टू को और एक्स वन को और वाई टू और वाई वन को आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो टू कॉस फाइव टू, x1 इक्वल टू रो कॉस फाइव वन और वो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो टू कॉस साइन फाइव टू और y1 इक्वल टू रो साइन फाइव वन। ये तो सिलेंड्रिकल कन्वर्शन तो आप लोग को पॉइंट पता ही है, अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, तो वो चीज पुट करने के बाद ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको डिस्टेंस आया दैट इज द डिस्टेंस का स्क्वायर का फॉर्मूला इन स्क्वायर फॉर्म में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, यही कह रहा था। यहाँ समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हुआ बाबू, इसी तरह आप डिराइव करना खुद से आप लोग इसके लिए स्फेरिकल के लिए डी वन डी टू स्क्वायर स्फेरिकल के लिए आप लोग करना, ये आ जाएगा आप करके देखना आर टू आप कार्टेशियन वाले में ही मतलब कि इसमें ही आप रखना सब x2 और x1 का वैल्यू और उसको डिराइव करना, तो ये आएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा 2 इनटू cos थीटा 1 माइनस 2 r1 r2 sin थीटा 1 और cos आप इसको करके देखना ये आएगा। यहां तक इनको डाउट है तो कुछ तो पूछिए। नो सर। नहीं डाउट है तो फिर मैं प्रॉब्लम पर डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन करा दीजिए सर। हाँ क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग भी पानी पीना तो पी लो। ठीक है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब कुछ, उसके बाद हम मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इससे आपका जो कंसेप्ट क्लियर कितना हुआ है वो भी देखेंगे है ना। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द वेक्टर
बी इज इक्वल टू टेन वाई आर ए आर प्लस आर कॉस थीटा ए थीटा प्लस ए फाई इन कार्टीजियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फाइंड द कंप्लीट क्वेश्चन ये है फाइंड बी माइनस थ्री फोर जीरो एंड बी फाइव बाय टू माइनस टू सर एग्जाम के थोड़ा बता दीजिएगा ना कौन सा है सर एग्जाम में कैसा कैसा आता है थोड़ा वो भी बता दीजिएगा सर एग्जाम में सर किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो सर एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा वेक्टर दे दिया जाएगा उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए देगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसी मतलब कि आपसे पूछेगा या पॉइंट दे देगा इसको बोलेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए या मैं असाइनमेंट में जो दूंगा ना तो उस टाइप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रहेगा ठीक है तो इसको कुछ लोग सॉल्व करेंगे क्या 5 मिनट में टाइम दूं एक बता देंगे उसके बाद आप असाइनमेंट देंगे ठीक गुड सॉल्यूशन देखिए एक मैं बताता हूँ एक आप लोग करना ठीक है आप देखिए अब क्वेश्चन क्या है ना स्फेरिकल में दिया हुआ है इससे क्वेश्चन से तो पता चलता है कि स्फेरिकल में दिया हुआ है और उसको हम लोग को कार्टेशियन में करना है और सिलेंड्रिकल में करना है तो एक चीज क्लियर है अगर कार्टेशियन नहीं भी दिया हो रहा था तो आपको अगर स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल बोलता तो आपको बीच में कार्टेशियन लाना ही पड़ता स्फेरिकल से कार्टेशियन आना होगा देन आपको कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कन्वर्ट करना होगा अब डायरेक्टली ऐसा कोई कन्वर्सन आप नहीं देखें कि स्फेरिकल से आप सिलेंड्रिकल में आ जाओ तो आपको कार्टेशियन तो करना ही था तो कार्टेशियन के लिए आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइंड आउट करना है कंपोनेंट तो स्फेरिकल कंपोनेंट क्या है बी आर इज इक्वल टू टेन अपॉन आर बी थीटा इज इक्वल टू आर cos थीटा और बी फाइव इज इक्वल टू वन यही है ना जी कि और कुछ है अब है हम लोग अब बी एक्स बी वाई और बी जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे साइन थीटा इंटू cos फाइव cos थीटा इंटू cos फाइव माइन साइन पाई एंड साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा साइन फाई एंड कॉस फाई और ये कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा जीरो और इसके साथ ये वेक्टर टेन वाई आर और आर कॉस थीटा और वन हम ये पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हम तो मेरा फर्स्ट बी एक्स इक्वल टू निकल जाएगा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारा साइन थीटा कॉस फाइव इंटू टेन वाई आर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इंटू आर कॉस थीटा और माइनस साइन फाइव इसी तरह बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वाई इक्वल टू इसको फिर उससे मल्टीप्लाई तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव और टेन वाई आर टेन वाई आर देन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव आर
कॉस थीटा और प्लस प्लस कॉस फाई और पीजेड इक्वल टू कॉस थीटा टेन वाई आर प्लस सॉरी माइनस साइन थीटा आर कॉस थीटा और प्लस जीरो ये आएगा। लेकिन जब ये आया इसके साथ भी हम लोग को चेंज करना होगा ये एक पूरा कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए। पूरा कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आर इक्वल टू हम लोग को क्या लिखना होगा जी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है तो यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ये चीज एक को मैं करता हूँ बी एक्स को करता हूँ और उसके बाद बी वाई और बी जेड को आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा और बी एक्स इक्वल टू अब देखिए टेन इनवर्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस तो बाई जेड है तो मतलब कि इसको कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड है। तो अब ये बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ये है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू ये एक मिनट मैं आपको कर ही देता हूँ इसका दोनों कंपोनेंट निकालना होगा साइन का और कॉस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड। ठीक है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होगा और कॉस थीटा इक्वल टू जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होगा कि नहीं होगा बताइए होगा सर है ना। उसी तरह हम लोग का टेन फाई इक्वल टू टेन फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स है। ठीक है तो साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये रफ कैलकुलेशन करके रखना है साइन फाई इक्वल टू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस फाई इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है और देखिए अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपका लेंदी ना हो तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो भी लिख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इजिली वैसे कर सकते हो मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं है तब उससे भी कर सकते हो अदरवाइज आपका जो है मैं रो रखने के लिए बताया हूँ तो वो भी रो रख सकते हो। तो आप यहाँ पर से हम लोग सारा का वैल्यू रखेंगे बी एक्स हम लोग का बी एक्स क्या निकला था बी एक्स निकला है ए बाय आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई और आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई अब सबका वैल्यू रखेंगे टेन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस फाई इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक पार्ट हुआ प्लस आर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर होने के कारण रूट कट जाएगा हट जाएगा और इंटू कॉस फाई तो कॉस फाई का क्या हो जाएगा जी कॉस फाई एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हाँ माइनस साइन फाई तो साइन फाई क्या है हमारा वाई अपॉन
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ऊपर में बचेगा, और यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ रूट बच जाएगा, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये रूट रूट एक रूट रूट हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर है तो रूट आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाएगा। अब देखिए, अब ये बी एक्स निकला दी, इसी तरह आपको बी वाई और बी जेड निकालना होगा। अब बी एक्स निकला, लेकिन आपको जो वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट बी, बी एट पॉइंट कहाँ है माइनस थ्री फोर जीरो, ये कार्टेशियन पॉइंट दिया हुआ है, ये सिलेंड्रिकल पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ पर एक्स और वाई और जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स सॉरी एक्स वाई और जेड के जगह पर आप लोग को रखना होगा माइनस थ्री फोर जीरो, तब वहां से आपको एग्जैक्ट बी एक्स का वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट होगा। मतलब एक पार्ट तो ये हुआ, एक पार्ट तो बी एक्स बी वाई बी जेड निकल जाएगा, तो सेकेंड पार्ट के लिए जो फाइंड पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहा है, तब वहां के लिए आप लोग को यो फाइंड आउट वैल्यू पुट करके रखना पड़ेगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए कि और आगे हम बी वाई बी जेड भी निकालें या आप लोग कर लोगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, हाँ सर, हाँ बी वाई बी जेड निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना जी सर। हेलो, ठीक है, और किन को ऐसा कोई है जिनको लग रहा है कि नहीं निकल पाएगा? निकाल लेंगे सर। हाँ ठीक है, अब है ना कि हम कुछ क्वेश्चन है ना एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग जवाब देना, मतलब थोड़ा सा इसको देखना, इससे सर इतने जल्दी सर आप कैसे बना दे रहे हैं सर? हैं सर, इधर टैन से सर डायरेक्ट साइन निकाल दिया सर बिना ट्रायंगल बनाए हुए। देखिए ये बी एक्स निकल गया आपको कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन नहीं है, इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, उसके बाद फाइंड बी एट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब आपका पूरा जो कार्टेशियन फॉर्म में निकल जाएगा ना, उसके बाद जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वहां पर आप लोग को माइनस थ्री फोर जीरो रखना होगा, समझ रहे हैं? वो रख के आपको कर देना है। ओके सर, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट, मतलब कि स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक है जो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल बी रो ई फाई बी जेड, मान लीजिए कि वेक्टर बी है, तो अगर ए भी है बी है कुछ भी हो, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन और कॉस थीटा माइनस वन थीटा जीरो और ए बी आर बी थीटा एंड बी फाइव, यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके भी मैं करके देखना, आप लोग का ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आप लोग को पोस्ट करना है, ठीक है, ये आप लोग को करना है आज ही। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो जो मतलब रिमेनिंग दो बचा है सर वो ला आ सर, ये जो बी वाई बी जेड सॉल्व मतलब पोस्ट करना है सर,
आज ही पुश करना है, मतलब कि dx dy z dz पूरा एक कार्टेशियन है और सिलेंड्रिकल दोनों में निकाल के आप लोगों को बताना है। पिछला वाला क्वेश्चन सर जो आप सॉल्व करके दिखाया भाई ना सर। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा कन्वर्ट करके हमको देना है आज, आज या कल तक में आप लोग सोल्यूशन इसको भेजना है। ठीक है, कल तक भी, कल संडे है, आराम से करके कल तक करना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जी, जिससे कि आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं वो देखना है, सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट एवरी पॉइंट इन स्पेस ए फाइ डॉट a theta is equal to 1, is it true or false? क्या होगा, true या false? False sir. False. कितने लोग false से था देख रही हैं? False होगा sir. False होगा, दो लोग बोले, और sir true होगा। क्या होगा? ट्रू होगा सर। ट्रू क्यों होगा जी? देखो ये डॉट प्रोडक्ट है सर, क्योंकि और ये मुचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ये दोनों में सेम में रहता, ए फाइ तब वन होता, ए थीटा रहता तब वन होता, अगर ये दोनों अच्छी है तो वन नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये सर ए फाई एक वेक्टर है और ये जीरो होगा। अरे एक चीज मैं आज गलत बताया हूँ थोड़ा सा, आप लोग नहीं गौर किए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला जो बताया था मैं, वहां पे एक चीज गलत किया था जी, आप लोग ध्यान नहीं दिए। हाँ, ये जो एक्स ए वाई है ये जीरो कहाँ से होगा? एक्स क्रॉस ए वाई जीरो नहीं होता है, ये आप लोग गौर नहीं किया, ए ए जेड होगा, ये आप लोग गौर नहीं किए थे। ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल टू ए जेड, उसी तरह ए रो और ए फाई इक्वल टू ए जेड, और ए रो ए थीटा इक्वल टू ए फाई। आप लोग से ये हमसे गलती हुआ, आप लोग भी इसको ध्यान नहीं दिए। और इसी में यहाँ पर ए, जैसे कि ये आपका ए एक्स ए वाई ए जेड होता है, मतलब कि ए क्रॉस ए वाई क्रॉस ए जेड हो जाएगा तो ए एक्स हो जाएगा, और ए जेड क्रॉस ए एक्स हो जाएगा तो ए वाई हो जाएगा। उसी तरह स्फेरिकल में ए आर ए थीटा ए फाई होगा, मतलब कि ए आर क्रॉस ए थीटा ए फाई, ए थीटा क्रॉस ए फाई ए आर, ए फाई क्रॉस ए आर ए थीटा, ये यही रूल फॉलो करेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आप लोग ध्यान नहीं दिए, देखिए ऑब्जेक्टिव पर आया तो मतलब कि कोई बच्चा नहीं बोला था, किसी को ऐसा था पता चला था जो नहीं ध्यान दिया था, मैंने बोला नहीं डर के मारे? नहीं सर। हाँ नहीं, बोलना चाहिए ना जी, आप लोग को ध्यान देना है क्लास में। देखिए सबसे मिस्टेक हो सकता है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है कि रोबोट है पूरा, मतलब सब हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, वो स्लीप ऑफ माइंड होता है। ठीक है, आप लोग को देखते रहना है क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए h इज इक्वल टू एच फोर फोर सॉरी फोर ए रो माइनस थ्री ए फाइव प्लस फाइव ए जेड, एट वन पाई बाय टू जीरो, द कंपोनेंट ऑफ h पैरेलल टू सरफेस रो इज इक्वल टू वन इज ऑप्शन ए फोर ए रो, ऑप्शन बी फाइव ए जेड फाइव ए जेड, ऑप्शन सी माइनस थ्री ए फाइव, ऑप्शन डी माइनस थ्री ए फाइव प्लस फाइव ए जेड, ऑप्शन ई फाइव ए फाइव प्लस थ्री ए जेड। ये कोई बताइए, आपका वेक्टर दिया हुआ है एच इज इक्वल टू फोर ए रो माइनस थ्री ए फाइव प्लस फाइव ए जेड,
ठीक है, तो आपको पैरेलल बताना है किसके, रो इज इक्वल टू वन, रो इज इक्वल टू वन सरफेस पैरेलल है तो इसका वेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन सोचिएगा आप लोग, इसको आप कार्टेशियन से कंपेयर करके सोचिएगा, मतलब कि कार्टेशियन में मान लीजिए पहले 2D में कार्टेशियन को लीजिएगा, एक्स और वाई इस फॉर्म में लीजिएगा और वाई इज इक्वल टू समथिंग वन और ये पैरेलल उसका कंपोनेंट देखने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद 3D में देखिएगा कि क्या कंपोनेंट बचता है, तब फिर आप इसको सिलेंड्रिकल में देखिएगा, तब आपको ज्यादा बेटर वे से समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा थिंक कीजिएगा, ये मतलब कि आपका जो ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पूरा कंसेप्ट है ना उसको पूरा क्लियर कर देगा, मतलब कि झकझोर के रख देगा, तो इसको थोड़ा सा कीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और कुछ क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। बोल रहे हैं सर जो ये पढ़ा रहे हैं सर ये कहाँ पे भेज रहे हैं सर? कहाँ पे नोट लगते हैं सर? सर अभी देखे सर, ना गूगल क्लासरूम में था सर और ना ग्रुप में था सर, कल वाला छूट गया सर थोड़ा। तो YouTube में मैं डालता हूँ, YouTube चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरा, मैं YouTube में डालते रहता हूँ सर। ये वाला भेज दिएगा ना सर नोट्स वाला डेली जो पढ़ाते हैं? अच्छा नोट्स मैं PDF कन्वर्ट करके ना मैं गूगल क्लास में डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। सर डेली डाल दिया कीजिए सर, थोड़ा देखना रहता है। अच्छा ठीक है, मैं डेली डाल दिया था सर, ना फोकस करते हैं उसके बाद। और नोट करने में मुश्किल होता है, ठीक ठीक मैं उसको नोट डाल दूंगा, आज से डाल दूंगा, ठीक आज से याद डालूंगा, कन्वर्ट करूंगा तो ये पूरे क्लास का हो जाएगा, तो उसको पूरा डाल दूंगा। कल वाला भी थोड़ा दे दीजिएगा ना सर, सब एक ही साथ डाला चला जाएगा, जो जितना भी मैं पढ़ाया हूँ ना अभी तक एक ही में है, तो सारा आज से कन्वर्ट होके पूरा चला जाएगा, ठीक है? कल वाला क्या मतलब, लास्ट क्लास वाला जो होगा, ठीक है? तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा और इसको देखिएगा। आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं, किसी बार कुछ पूछना है डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो आज तक आज का आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर ये सिलेबस सर आप लोग को दिसंबर में कंप्लीट करना है सर, हम लोग एग्जाम जनवरी में ना होगा सर? हाँ हाँ जनवरी में एग्जाम होगा सर, फाइनल या मिड वाला? नहीं नहीं जनवरी लास्ट में आपका फाइनल एग्जाम होगा, मिड वाला तो आपको छठ पूजा के बाद ही एग्जाम हो जाएगा, ये फर्स्ट मिड सेमेस्टर। तो सर हमने मिड होगा मतलब कॉलेज में होगा या ऑनलाइन में होगा? ये देखिए ये कहना मुश्किल है, मतलब कि अभी देखिए कुछ क्या सिनेरियो बनता है, सब चीज डिपेंड करता है। ये तो फर्स्ट मिड से हम लोग को हमको लगता है तुम लोग आप लोग का ऑनलाइन होगा, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऑफलाइन हो तब तक में खोल दे सब चीज तब हो जाएगा। फर्स्ट मीट से मे भी ऑनलाइन ही होगा। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना है तो बोलिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। जिनको कुछ डाउट है पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।